कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त अपने घर में कुशल मंगल होंगे। अगेन आज फिर से मैं कृष्ण तिवारी एक नई वीडियो में आपका मोस्ट 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 वेलकम करता हूँ। और आज फिर से आपके साथ यहाँ पे एक डेल्टा प्लस मॉडल है, साथ साथ ही इसके पीछे भी एक डेल्टा प्लस मॉडल है और उस तरफ तो अपनी सिग्मा मॉडल लगी हुई है। उसमें तो काफ़ी सारा काम हुआ है, वो उसके लिए आपको पर्टिकुलर एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी। पर ये गाड़ी जो स्पेशल रहने वाली है आपको ये वीडियो के लिए और वैसे भी हमारे लिए भी बहुत स्पेशल है। रीज़न क्या है, आज इस गाड़ी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बहुत शानदार सीट कवर एज अ कस्टमाइज होके लगाया है, जो भैया की चॉइस थी। जो गाड़ी का कलर वाइट कलर है, अंदर जो हल्का सा चेरी कलर है उस कलर को लगभग कस्टमाइज करके जो पूरा इंटीरियर हुआ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी और भी काफ़ी सारी एज अ नेक्सा जेन्युइन एसेसरी एज अ मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब कुछ इसमें लगा है। एक साउंड क्वालिटी बहुत अच्छे करने के लिए 3.2 गोल्ड सीरीज की डैम्पिंग जो होती है वो डैम्पिंग इसके अंदर हुई है। ट्विटर इसके अंदर लगे हैं, बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें जो इसके अंदर हुई है तो मैं आपको पूरी डिटेल में ये वीडियो दिखाऊंगा। तो आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, आप पूरी वीडियो देखिएगा और जितनी भी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ ये सारी चीज़ें आप डिटेल में देखिएगा। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर है। जैसा आप जानते हो ये DRL ये हेडलाइट ऑलरेडी इसके अंदर आता ही है, इसमें अभी ये चेंजेस नहीं किया है। पर इसके नीचे गार्निश जो है वो नेक्सा जेन्युइन गार्निश का ऑप्शन होता है, आप वो सिंपली करा सकते हैं अपने पास। इसके बाद इसके अंदर मेनली जो अभी चेंज हुआ है वो हुआ है इसका हॉर्न। हॉर्न आप देखोगे एक बार जैसे ही इसको प्रेस करूंगा, एक हैवी हॉर्न जो एज अ क्रेटा में या फिर एज अ XUV 700 में या फिर स्कॉर्पियो N में जैसा आपको देखने को मिलता है वैसे इसके अंदर कहीं ना कहीं हॉर्न लगे हैं और काफ़ी ज़्यादा हैवी बिल्ड क्वालिटी के साथ इसका हॉर्न आपको देखने को मिल रहा है। जैसे गाड़ी का लुक है, एक बल्कि लुक, एक XUV लुक, कहीं ना कहीं वो लुक के साथ पूरा हॉर्न जो है वो देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें मिरर की तो आप अंदर से इसको ऑटो फोल्ड इस मॉडल में ऑलरेडी कर पाते हैं, पर इसमें चाबी से लॉक अनलॉक के लिए जो ऑप्शन होता है एज एक रिले लगती है वो इसके अंदर लगी है। जो मैं लॉक कर रहा हूँ या फिर अनलॉक कर रहा हूँ सिंगल क्लिक पे इसमें वर्किंग आपको देखने को मिल रहा है। जितनी बार भी लॉक कर रहा हूँ या फिर जितनी बार भी अनलॉक कर रहा हूँ प्रॉपरली आपको यहाँ वर्किंग देखने को मिल रहा है। इसके बाद डोर वाइजर है जो नेक्सा जेन्युइन में आता है वो इसके अंदर लग गया है। नेक्सा जेन्युइन में आप देखोगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी और बिल्कुल लाइफ टाइम वारंटी के साथ इसका क्रोम मिलता है। प्राइसिंग की बात करूँ 2190 रुपये MRP होती है, आपका लेस करके सीधा 60%, यानी कि अगर आप 10,000 रुपये के क्रोम आइटम यानी कि नेक्सा जेन्युइन एसेसरी लोगे तो उसमें सिर्फ आपको 4,000 रुपये देने हैं। 20,000 रुपये का अगर आप लेते हो तो सिर्फ 8,000 रुपये देने हैं, यानी कि आप समझ सकते हो सीधा 60% आपको लेस मिलता है। जैसी गाड़ी आई थी जब तो हमने 25% लेस देना शुरू किया था, उसके बाद 40%, फिर 50% और अब जो है वो सीधा 60% आपको लेस दे रहे हैं एज अ होल ही। अभी जैसी गई है न्यू ईयर जैसे गया है उसी का ऑफर के रूप में, तो एक बहुत बेस्ट यहाँ पर रेन वाइजर है। प्राइसिंग भी बता देता हूँ 2190 MRP होती है, लेस करके 875 रुपये का पड़ता है। यहाँ पे विंडो गार्निश है, ये आप देख सकते हो पूरा पीछे तक है और ये भी नेक्सा जेन्युइन नहीं आता इसीलिए पूरा SS में है, स्टेनलेस स्टील में, पूरा 6 पार्ट में आता है, 3 फर्स्ट 2nd 3rd, 3 इधर है और 3 उधर है, तो ये एक बेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नीचे साइड बिटिंग है जो नेक्सा जेन्युइन में आता है, 2490 MRP होती है, लेस करके 996 रुपये का होता है। यहाँ पे डोर गार्ड है, इसका बहुत छोटी सी आइटम है पर आपका इसका काम बहुत अच्छा होता है। जैसे आप गाड़ी देखोगे दूसरी तरफ लगी हुई है तो ये काफ़ी अच्छा पार्ट आपको यहाँ कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इसका डैम्पिंग आप देख सकते हो यहाँ पे एज इट इज़ डैम्पिंग हो गई यहाँ पे और 3.2 mm लेयर के साथ गोल्ड सीरीज डैम्पिंग हुई है जो आपको पर्टिकुलर यहाँ देखने को मिलने वाला है। इसका मैं आपको यूज़ दिखा देता हूँ, ऐसा लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल ढंडन ढंडन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और वही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक
एक सिक्योर ऐसा लग रहा है, बिल्कुल हार्डनेस हो गया है, बिल्कुल हैवी हो गया है, तो वो आपको यहाँ देखने मिल रहा है। और इसकी भी अगर मैं खास बात बताऊँ आपको डैम्पिंग की, तो मैं आपको महिंद्रा या टाटा की गाड़ी में इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता डैम्पिंग, अगर मारुति की गाड़ी से आप कंपेयर करो तो। मारुति की गाड़ी में इसलिए सबसे ज़्यादा हैवी रिकमेंडेशन डैम्पिंग की है क्योंकि आपका ये जो आपकी बिल्ड क्वालिटी है एज अ रोड नॉइज़ आपका इससे काफ़ी इंप्रूव हो जाता है, म्यूज़िक आपका अंदर से काफ़ी इंप्रूव हो जाता है, आपका एसी जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाता है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको डैम्पिंग के मिल जाते हैं। तो अंदर इसका सीट कवर दिखाने से पहले एक बार पीछे वाली गाड़ी का भी सीट कवर दिखा देता हूँ, इससे पहले एक बार बैक लुक देखते हैं इसका कैसा है, फिर पीछे वाली गाड़ी का भी सीट कवर की लुक देखेंगे आपका। इसके साथ साथ अगेन बैक लुक में आप देख सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, इसकी पूरी कनेक्टिंग टेल लाइट आप देख रहे हो, इसमें भी आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। वैसे तो अभी मैं कई लोगों की, जैसे मेरे पास कस्टमर आके बताते हैं कि कनेक्टिंग टेल लाइट 4000 रुपये की लोग बेच रहे हैं, 5000 की लोग बेच रहे हैं, पर मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता दूं, जो चीज़ 4000-5000 में आ ही नहीं सकती वो बेच कैसे रहे हैं, और अगर बेच भी रहे हैं तो एक चीज़ वो अपनी वीडियो में, अपनी शॉर्ट वीडियो में वो खास कर बोल रहे हैं कि अगर आप पूरा बेस टू टॉप कराओगे, पूरी गाड़ी का काम कराओगे तो आपको ये रेट पर मिलेगा, सिर्फ अगर आप कनेक्टिंग टेल लाइट लेने जाओगे तो दो आपको जवाब मिलेंगे, या तो है ही नहीं या तो बेस टू टॉप कराओगे तो। और बहुत सारे लोग चुपचाप जाते हैं और चुपचाप आके जो रेट बोलते हैं उनको लगाना पड़ता है, लगवाना पड़ता है, अपना लगवा के आ जाते हैं, पर मैं सिंपल सी चीज़ें बताऊं वो सिर्फ एक बहुत बड़ा स्कैम है आपको बुलाने का, ऐसा आपके तरफ सिर्फ एक जो चीज़ आपकी नज़र में है, जो चीज़ अच्छी लगती है उन चीज़ को रेट फेंकने का। आप उनसे पूछो भैया मेरे को सिंगल टेल लाइट चाहिए इस रेट पे, दे देंगे क्या आप? मना कर देंगे, छूटते ही मना कर देंगे, 4000-5000 छोड़ो 7000-6500 में भी नहीं देंगे। टेल लाइट का दो ऑप्शन होता है, एक आपका 6000 रुपये वाला ऑप्शन होता है और एक होता है 8500 वाला। 6000 वाली टेल लाइट होती है एसेसरी वाली, 8500 वाली होती है टॉप मॉडल वाली, ज़्यादा स्पेयर पार्ट में आती है। इसके साथ साथ अगर बात करूँ, यहाँ पे डिगी क्रोम लग चुका है, नीचे आप देखोगे रिफ्लेक्टर लाइट है जो एज इट इज़ मैट्रिक्स के साथ है, और जैसे इसका पूरा आप देखो एज इट इज़ टेल लाइट का ऑप्शन है, वैसे ही पूरा यहाँ पे इंडिकेटर वाला पार्ट है। पीछे बुल गार्ड है, इसका भी पूरा आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से, पूरा एज इट इज़ यहाँ पे सिक्योरिटी पूरा आप देख पाओगे। यहाँ पे रिफ्लेक्टर है नीचे जो इंडिकेटर वर्किंग है, यहाँ पे आप देख पाओगे एज इट इज़, जैसे यहाँ पे इंडिकेटर है वैसे यहाँ पे नीचे इंडिकेटर वर्किंग है। इसके बाद बैक कैमरा आप देख पाओगे, यहाँ पे बैक कैमरा भैया ने कंपनी से लगा रखा है, इसकी क्लैरिटी भी मैं आपको दिखा दूंगा, इसकी थोड़ी सी नॉर्मल क्लैरिटी रहती है, बाकी अपने पास क्लैरिटी के साथ बहुत अच्छी क्लैरिटी का कैमरा आपको मिल जाता है। पार्सल ट्रे ऑलरेडी इसमें लगा हुआ आता है। इसके बाद बूट मैट यहाँ पे डला है, देखोगे यहाँ पे नीचे बहुत अच्छी फिनिशिंग, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ, इसके साथ बूट लाइट लग गया है यहाँ पे साइड में, तो ये भी पूरा सेंसर के साथ है, नॉर्मल भी आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हो, सेंसर के साथ भी कर सकते हो। इसके साथ से एक बार ये वाले सीट कवर देखते हैं कैसे हैं, फिर जानेंगे भैया से। तो फाइनली इसमें भी आप देखोगे सीट कवर इसमें भी लगे हैं, जो अपनी तो आगे गाड़ी खड़ी थी जो मैंने आपको आगे दिखाया है, और एक गाड़ी ये है, दोनों के सीट कवर दिखाने का मकसद क्या है, दोनों सीट कवर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, थोड़ा सा कैसे आप स्टिचिंग के रूप में कैसे फ़र्क कर सकते हो मैं दिखाऊंगा। ऊपर से लेके नीचे तक देख लो, एक सिंगल रिंकल नहीं मिलेगा, बिल्कुल परफेक्ट फिटमेंट के साथ है, हर जगह से बिल्कुल बहुत शानदार फिटमेंट है। अगेन यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल OEM फिटमेंट है, जो सिमेट्री होती है, जो कुशनिंग होती है वो बहुत अमेजिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। देख सकते हो ये देखो कितनी अच्छी कुशनिंग, कितना अच्छा सा पूरा आपको परफेक्ट मिल जाता है। और इसमें क्या फ़र्क है उस सीट कवर में, अभी उसमें भी अंदर चलेंगे, इसमें आप देखोगे ब्लैक कलर की पूरे थ्रेड है, ब्लैक कलर का पूरा एज अ पाइपिंग रखा हुआ है, यहाँ पे 3 थ्रेड का यूज जो है वो ब्लैक कलर का किया हुआ है, क्योंकि गाड़ी का कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क है और उसमें वाइट कलर की गाड़ी है इसलिए वाइट रखा गया है। तो एज अ क्या, पहले उसमें चलते हैं फिर आपको दिखाएंगे फिर आगे बताएंगे। तो फाइनली अंदर की तरफ अगर देखें आप, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पूरा इंटीरियर किया हुआ है। पहले तो इसका जो कलर एज अ डोर में आता है, जो कलर एज अ डैशबोर्ड में आता है, उसी कलर के साथ पूरा इंटीरियर है, जो यहाँ पे आपका पूरा सॉफ्ट टच है। 3 थ्रेड का यूज़ सबसे पहले आपका यहाँ किया हुआ है, फिर 3 थ्रेड यहाँ पे है, फिर 3 थ्रेड यहाँ पे है। वाइट कलर की गाड़ी है, जैसे मैंने आपको बताया उस वाली गाड़ी के अंदर भी वैसे ही अपना वाइट कलर के कॉम्बिनेशन के अंदर यहाँ पे है। डबल स्टिचिंग आप देख पाओगे यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली किया हुआ है, अच्छी खासी कुशनिंग है कि यहाँ पे इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी पूरी कुशनिंग है, और एक प्रीमियम फील, एक लग्जरियस फील आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर रॉयल फील आपको देखने को मिल जाता है, जैसा आप यहाँ पे देख पाओगे। और कम्प्लीटली पूरा इंटीरियर जो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा एक बहुत अमेजिंग सीट कवर है आपका। इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूँ, एम्बियन लाइट का पार्ट आपको देखने को मिल जाता है, जैसे ही मैं गाड़ी को ऑन करूँगा यहाँ पे जो अपने एम्बियन लाइट है वो यहाँ पे आपको जल्दी ही देखने मिलेगी, और जैसा चाहो वैसा आप कलर इसको चेंज कर सकते हो अंदर से एक स्विच के जरिए। सिर्फ आप चाहो मल्टी कलर करना मल्टी कलर कर सकते हो, आप चाहो जितने मर्जी कलर आप चाहो चेंज करना अपने आप में आप चेंज कर सकते हो अंदर बैठे बैठे ही, या फिर मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल करके। और आप खुद इस डोर को देख के कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये बेस मॉडल वाला डोर या डेल्टा मॉडल या डेल्टा प्लस वाला डोर नहीं है, आप खुद सोचो। यही रीज़न है हम लोगों को बोलते हैं आप डेल्टा प्लस लेने से अच्छा है आप बेस मॉडल लो, और आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कराओ, जैसे मैंने आपको उस गाड़ी में भी दिखाया है, जैसे मैं आपको इस गाड़ी में भी दिखा रहा हूँ। एक सुपीरियर, एक बिल्कुल शानदार क्वालिटी के साथ पूरा सीट कवर है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग।
एक बार मैं आपको तीसरी जो सामने गाड़ी है उसमें भी दिखा देता हूँ। इसमें जैसे म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड आ रखा है डेल्टा प्लस वाला, वो बेस मॉडल है, फिर भी हमने उसमें डेल्टा प्लस वाला म्यूजिक सिस्टम लगाया। एक बार दिखा देता हूँ फिर आगे बात। तो सिंपल ये भी गाड़ी आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा पूरी कस्टमाइज हुई है, पूरी मॉडिफाई हुई है। बेस मॉडल है, यहाँ से जो वेंट आता है वो भी यहाँ पे हट चुका है, मिरर भी बॉडी कलर पेंट हो चुके हैं एज अ इंडिकेटर के साथ। आगे की तरफ DRL हेडलाइट वगैरह सब कुछ इसके अंदर चेंज हो चुका है, जितनी एज एसेसरी आती है वो सब लग चुका है। यहाँ तक कि जो एक प्रीमियम इंटीरियर जैसे मैंने आपको उसमें दिखाया था, सेम इसमें भी है, सिंपल सोवर के साथ यहाँ स्टाइलिंग किट है जो बहुत प्रीमियम लुक के साथ है। और यहाँ तक कि जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, सिस्टम मैंने आपको ऑलरेडी एंड्रॉयड बहुत सारी गाड़ी में दिखाया है, पर आज सुजुकी का जेन्युइन सिस्टम जो सुजुकी स्मार्ट करके आता है, जो एज अ कंपनी फिटेड आता है, जो डेल्टा प्लस वाले मॉडल में आता है, वो सिस्टम इसके अंदर लगा है। इसकी मैं कैमरे की फिटमेंट भी आपको दिखा दूंगा कि कैसा कैमरा है और कैसी अच्छी क्लैरिटी है। देखो जो ऑटो एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले आप वायरलेस कनेक्ट करते हो एज अ कंपनी फिटेड सिस्टम में, वो सिस्टम एज अ डेल्टा प्लस वाला सिस्टम आज इसके अंदर हमने लगा के दिया है। आप खुद सोच लो कि कितना ज़्यादा प्रीमियमिटी, और आप खुद समझ लो कितना अच्छे से लगा यहाँ पे। ये देख लो, ये डेल्टा प्लस में नहीं आता, ये सब कुछ इसके अंदर जैसा आता है एज अ बेस मॉडल में नहीं आता, ये सब कुछ इसके अंदर लगा है। यहाँ तक कि स्टीयरिंग भी चेंज हुआ है। डेल्टा प्लस में आपको पता है सिंगल साइड स्टीयरिंग आता है, यहाँ पे अपने टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग लगा है। तो आप खुद सोचो कि आज के टाइम पे डेल्टा प्लस की वैल्यू क्या रहेगी, सिर्फ एक ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल की वैल्यू रहेगी और कुछ भी नहीं। डेल्टा प्लस या डेल्टा, यही इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप बेस मॉडल लो, उसको आप पूरी तरीके से कस्टमाइज, पूरी तरीके से एज अ मॉडिफाई कराओ। और ये तो मैं सिंगल टाइम में, एक टाइम में तीन गाड़ियाँ आपको दिखा रहा हूँ। अभी रात का टाइम हो रहा है, बिल्कुल सारी गाड़ियाँ जा चुकी है। तब आप खुद सोचो दिन भर में कितनी गाड़ियाँ होके जाती है, कितनी सारी गाड़ियाँ एक रेगुलर मॉडिफिकेशन होती है, जो मैं आपको हमेशा हमेशा रेगुलर 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 अपने चैनल पे देखने को मिलता है। अब चलते हैं अगेन उसी गाड़ी की तरफ, और उसका पूरा एक जैसे हम इंटीरियर देख रहे थे कैसी फिनिशिंग सारा काम हुआ है, कैसा सारा कुछ है, वो देखते हैं हर एक चीज़ के साथ। फाइनली अब आ चुके हैं अगेन उस डेल्टा प्लस में जो फर्स्ट नंबर पे आपको दिखाया था। ऊपर से लेके आप लास्ट तक देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग इसका भी इंटीरियर है। जैसा मैंने आपको पूरा डोर दिखाया है, वैसा ही आप देखोगे अंदर की तरफ सीट कवर, और कम्प्लीटली पूरे सीट कवर जो है वो कस्टमाइज हुए हैं, आप ऊपर से देख पाओगे। अगेन बहुत ही ज़्यादा शानदार स्टिचिंग के साथ है। सबसे पहले ऊपर तीन थ्रेड के साथ यहाँ पे आप देखोगे पूरा सीट कवर के अंदर, फिर तीन थ्रेड यहाँ पे और फिर तीन थ्रेड यहाँ पे। और जैसे मैं आपको बता रहा था, एक जो सिमेट्री होती है वो पूरी सिमेट्री आपको इसके अंदर भी देखने को मिल जाएगी, एक बहुत अल्टीमेट अमेजिंग कुशनिंग के साथ आपको पूरा का पूरा इसमें भी देखने को मिल जाएगा। अगेन आप ड्राइवर साइड भी देख सकते हो, एक सिंगल रिंकल आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं से कहीं तक आपको कोई रिंकल नहीं देखने मिलने वाला, ये परफेक्ट सीट कवर है। और जैसे मैंने आपको व्हाइट कलर की गाड़ी दिखाई है, जो बॉडी कलर के हिसाब से व्हाइट कलर का, इसमें पूरा पाइपिंग का यूज़ किया हुआ है, जैसा मैंने बताया आपको कस्टमाइज है, व्हाइट कलर का ही पूरा तीन थ्रेड का यूज़ है। हर एक कॉर्नर पे देखोगे चेरी कलर से पूरा आपका एज इट इज़ डबल स्टिचिंग है। और क्या रीज़न है इतना ज़्यादा अमेजिंग, इतना ज़्यादा अल्टीमेट सीट कवर देने का, इसके तीन रीज़न है। जो सबसे पहला रीज़न है, एज अ खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। दूसरा रीज़न है, एक जो क्वालिटी है, एक जो फिनिशिंग है, वो फिनिशिंग आपको फैब्रिक जो हमारे पास होता है वो प्रीमियम सोफा लेमिनेशन जो 40mm कुशनिंग के साथ होता है, जो एज अ फैब्रिक के साथ 19mm का कपड़ा पेस्ट होता है, और 21mm की फोमिंग जो है वो एज अ मेमोरी फोम लगता है, जिससे इसको आप जितना मर्जी दबाओगे, जितना आप इसको कुशनिंग करोगे नीचे दबाओगे, उतना ही ज़्यादा ये प्लफी हो जाता है, नीचे दबने लग जाता है। ये मेन आपको पार्ट आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ही यहाँ सेंटर आर्मरेस्ट है, जो जेन्युइन कंपनी का आपको देखने को मिल जाता है एज इट इज़ कम्प्लीटली। यहाँ पे स्टीयरिंग पे भी देख सकते हो डबल स्टिचिंग के साथ पूरा लेदर रैप है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो इसकी लेदर रैप की फिनिशिंग है, जो इसका पूरा एज इट इज़ पार्ट है वो भी बहुत अमेजिंग है। हर जगह से यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से इसकी पूरी फिटमेंट है, चेक कर सकते हो, बहुत अल्टीमेट फिटमेंट है, कहीं पे भी अनइवन नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है। यहाँ पे डैशबोर्ड आप देख सकते हो एक काफ़ी अमेजिंग तरीके से यहाँ पे इंटीरियर किया हुआ है डबल स्टिचिंग के साथ, हर जगह से पूरा डबल स्टिचिंग यहाँ पे किया हुआ है। और इसकी फिनिशिंग फिटिंग कहीं भी अनइवन नहीं मिलेगा, आप कॉर्नर भी चेक कर सकते हो, लास्ट में हल्का सा भी आपको एक्स्ट्रा गैप नहीं देखने को मिलेगा, हर एक चीज़ पे बिल्कुल परफेक्ट सीट कवर है। ऐसे ही डैशबोर्ड की एमएन लाइट का पार्ट आप देख सकते हो, इसकी फिटमेंट आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ रूफ लाइट का बल्ब जो है वो भी वाइट कर दिया गया है, तो इसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हो। नीचे अपने मैट हैं जो लॉन्ग लाइफ मैट है, और एक कम्प्लीटली बहुत अच्छी फिटिंग के साथ है। इसके साथ साथ ही इस तरफ से देख लो, चाहे नीचे पूरे मैट की फिटमेंट आप चेक करो, हर जगह से पूरा कम्प्लीटली कवर किया हुआ है, कहीं पे भी अनइवन नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, खास चीज़ है। इसके नीचे अपना फ्लोरिंग है, और फ्लोरिंग की फिटमेंट भी आप चेक कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत अल्टीमेट है। अपना यहाँ पे स्कफ प्लेट है जो पूरा एज इट इज़ फ्रॉन्ग्स के नाम से है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिटमेंट के साथ, बहुत ही ज़्यादा एक सुपीरियर क्वालिटी के साथ आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। डबल कलर के अंदर है, ब्लू एंड वाइट कलर के अंदर, काफ़ी अच्छी लुक और काफ़ी
अच्छी फिटमेंट के साथ आपको मिल जाता है कहीं ना कहीं, ये एक बेस्ट पार्ट है। इसके साथ साथ पीछे में जितनी भी चीज़ें इसके अंदर लगती है सब कुछ लगा के आपको दिखाया है। पीछे की सीट की फिटिंग हो चुकी है, पीछे का रियर एसी ऑन हो चुका है, और जितनी भी चीज़ आपको दिखाई सारी जेन्युइन कंपनी की है। अब जानते हैं ओनर से उनको सारा काम कैसा लगा। तो फाइनली सारा काम हो चुका है और जितनी भी चीज़ आपको दिखाई है मैक्सिमम चीज़ें अपनी कंपनी की जेन्युइन है। जो जेन्युइन नहीं आती जैसे कि रियर गार्ड हो गया, सीट कवर हो गया, वो चीज़ आपको बिल्कुल एक टॉप नॉच क्वालिटी है वो लगा हुआ है। जैसे मैंने सीट कवर में बताया अपने पास 2500 से स्टार्ट होगी 12,500 तक की क्वालिटी है। ये जो सीट कवर है लाइफ टाइम वारंटी वाला 12,500 में है। इसके पीछे भी जो है वो भी 12,500 वाला दिखाया आपको, और मैक्सिमम गाड़ी में अपने पास लगता भी यही है। रीज़न ये क्वालिटी के सिर्फ वजह से, बाकी ऑप्शन आपके पास सारे ही सीट कवर का होता है। तो सर से जानते हैं जिनकी गाड़ी उनको कैसा लगा, फिटिंग कैसी आई, और स्पेशली सीट कवर एज अ सर के जैसे कॉम्बिनेशन बन सकता था क्योंकि हमारा ब्लैक वाले जो उस गाड़ी में आपने देखा है ऑलरेडी रेडी था। सेम पैटर्न है, सेम डिज़ाइन है, बस एक स्टिचिंग और एक पाइपिंग का फ़र्क है। वो हमने सर के एज अ गाड़ी के हिसाब से कॉम्बिनेशन के हिसाब से रेडी करा के तब लगवाया। तो कैसा सर को लगा सर से ही जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है हवा सिंह। कहाँ से हैं? मैं रजोकरी गांव दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से ही आप? अच्छा, सीट कवर अभी आप बैठ चुके हैं इस पर? हाँ जी, हाँ जी। अब कैसी लग रही है फिटिंग और क्या सोच के आए थे, कैसा है सारा कुछ? नहीं, जो मैं सोच के आया था बिल्कुल वैसे ही काम हुआ है, और सीट कवर भी बहुत अच्छे कंफर्टेबल कंफर्टेबल है। स्पेशली ये सीट के अंदर थोड़ा सा एक इशू मैंने बताया आपको कि बैठने ड्राइवर सीट पे ना ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा सा बोनट जो है वो ठीक से नहीं दिखता, पर ये सीट कवर लगने के बाद ना पूरा बोनट आपको अच्छे से दिख पाता है। आप इजीली ट्रैवल करने वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर है। सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और प्राइसिंग क्या है सीट कवर की? तो ये मैंने 12,500 वाले आपके डलवाए हैं। जो वारंटी प्रीमियम सोफा ले मैंने? प्रीमियम सोफा ले। हाँ, वारंटी कितनी? वारंटी आपने मेरे को लाइफ टाइम की दी है। सिर्फ ऐसी वर्बली दी है, कोई मेंशन नहीं, है वारंटी रिटर्न में दी है? रिटर्न में एज आपको बिल मिलता है, बिल के अंदर मेंशन की है बकायदा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी सारा काम कैसा था, एंगल लाइट की फिटमेंट से लेके सारी कुछ? बहुत अच्छा काम हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि गाड़ियाँ ज्यादा थी जी, लेकिन काम तसल्ली से हुआ है। सीट कवर बन के लगाया सर? हाँ, सीट कवर की जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो रेडी नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा वेट भी करना पड़ा, इसलिए थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा हो गया, अदरवाइज बाकी सब कुछ ठीक ठाक। और जैसे मैं आपको छोटी सी चीज़ बता दूँ, देखो आप किसी भी स्टॉल पे छोटी मोटी कोई चीज़ लेने जाते हो ना, आप जाते हो अपनी चॉइस पसंद करते हो ले लेते हो, पर वो जगह एक अलग ही जगह होती है जहाँ पे आपको कोई चीज़ सजेस्ट भी किया जाता है या आपके लिए क्या चीज़ सही रहेगी या आपके, क्योंकि जिस चीज़ में हम माहिर हैं वो हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम चॉइस किया है, फर्स्ट टाइम आप ले रहे हो, पर हमारे पास डेली गाड़ियों में लग रहा है, तो हम आपको वो चीज़ आपकी चॉइस होती है, बस हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं जो बेस्ट है वो सजेस्ट कर दे। वैसे ही सर ने बताया कि स्टिचिंग कौन सा अच्छा लगेगा, ये कैसा रहेगा, वो कैसा रहेगा, व्हाइट कलर की गाड़ी के हिसाब से कौन से कलर ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। जैसे बताया भी मैंने, टैन कलर है, आइस ग्रे कलर है, एक ही कलर है, तीनों में से फिर ये कलर, और फिर एज ए स्टिचिंग में ये स्टिचिंग ऐसी ब्लैक है और ये वाइट में, दोनों में फिर ये स्टिचिंग चॉइस किया भी यानी एज अ थोड़ा सा हेल्प भी आपको हमारे पास मिल जाता है। तो ये हर एक चीज़ में आपको डिफरेंस मिलता है ना, जब आपको खुद दिल खुश हो जाता है। बाकी भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी दूर से भैया आए हैं, फुली सेटिस्फाई हैं आप? कोई आना चाहते हैं रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं रिकमेंड करूँगा उनको कि ये यूनिक ऑटो पर आएँ अपना, और बाकी काम बहुत अच्छा हुआ है। टाइम लेके आए? थोड़ा सा टाइम लेके आए, और थोड़ा लंच वंच लेके आए साथ में, क्योंकि लंच नहीं प्रोवाइड कराते। लंच में भी थोड़ा सा हमारे पास होता है स्टाफ, जिस दिन अच्छा मतलब आ जाता है सारा स्टाफ, तो उस दिन एक अलग से स्टाफ है। आंटी हमारे पास दो है, जो एक सिर्फ लंच वगैरह या अलग से लेके आने के लिए होती है, और दूसरी पानी वगैरह के लिए, तो थोड़ा सा ये कभी कभी इशू रहता है। बाकी अपने पास मेन सबसे अच्छी चीज़ रहती है एक ही छत के नीचे सारा काम होता है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर कम से कम 40 लोगों की बैठने की जगह है, आप इजीली वहाँ पे बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, तो ये कई लोग दूर दूर से आते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी होती है अपने पास जगह। बाकी ये है कि अगर कोई चाहता है रुकना तो अपने पास दोनों साइड, अपने शोरूम के दोनों साइड ही होटल की व्यवस्था है, वो भी आप रुक सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे से आपका काम हो जाता है। बाकी थैंक यू सो मच, आपका भी दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियोज़ के लिए एक बार ज़रूर चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।